पुल के नीचे जाम बढ़ा है पहले से ज्यादा, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं ना कि कम हुई हैं। फिर मूलचंद शर्मा जी, ये पुल बना के जाम से निजात दिलवा सकते हैं तो दिलवाएं, स्वागत है। बल्लभगढ़ से विधायक और प्रदेश सरकार में परिवहन, खनन सहित उच्च शिक्षा के मंत्रालय की कमान संभालने वाले मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 3.5 साल का वक्त गुजारने के बाद कहने को तो अपने विधानसभा वासियों के लिए दो बड़ी सौगात दी है, लेकिन इसमें से एक सौगात तो ऐसी है कि उससे बल्लभगढ़ वासियों को जहां फायदा होना चाहिए था वहां फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो रहा है, और दूसरी सौगात ऐसी है कि जैसे सरकार का खजाना ही लूट गया हो। जिस योजना को सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से पूरा किया जाएगा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3.5 साल तो मंत्री जी ने अपने विकास करने में पूरे कर दिए, बाकी 1.5 साल में 2 योजनाएं विधानसभा में आई, वो भी ऐसी कि जिनका बल्लभगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही सोच रहे हैं, क्योंकि आपका काम तो पंडित जी को विधायक बनाकर चंडीगढ़ विधानसभा की कुर्सी पर बैठाना था, लेकिन अब पंडित जी जब कैबिनेट मंत्री बन गए और कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्हें मिल गई, तो फिर मंत्री जी बल्लभगढ़ विधानसभा का ही ध्यान क्यों रखे? अब मंत्री जी तो तमाम हरियाणा के है ना, तो उन्हें तो सभी को देखना है। बल्लभगढ़ के फ्लाईओवर से भले ही बल्लभगढ़ के लोगों को कोई फायदा ना हो और बेशक यहां के दुकानदारों का व्यापार चौपट हो जाए, लेकिन इसका फायदा पृथला विधानसभा वासियों को तो हो ही रहा है ना। मंत्री जी के सर पर जो जिम्मेदारी है वो तमाम हरियाणा की है ना। हालांकि मंत्री जी ने पहली सौगात में बल्लभगढ़ की जनता को एक मॉडर्न बस अड्डे का तोहफा दिया है, लेकिन इस अड्डे के कार्य को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरा किया जाएगा। ये हालात तो तब हैं जब परिवहन मंत्रालय पंडित जी के पास ही है, उसके बाद भी बल्लभगढ़ के यह हालात हैं, तो अब शायद प्रदेश के बाकी जिलों के क्या हालत होंगी इसका अंदाजा तो शायद आप खुद ही लगा लेंगे। मंत्री जी ने दूसरी बड़ी सौगात बल्लभगढ़ वासियों को फ्लाईओवर यानी कि एलिवेटेड पुल की दी है, जिस पर 210 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, लेकिन इसका फायदा भी बल्लभगढ़ वासियों को नहीं है बल्कि फायदे की जगह उल्टा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बनने से गाड़ियों की संख्या यहां पर बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण का स्तर तो बढ़ना तय है ही, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों की दुकानदारी ठप हो जाएगी। मंत्री जी की इन सौगातों को लेकर हरियाणा वरदान के संवाददाता रजत सिसोदिया ने पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर से खास बातचीत की है, देखिए हमारी ये स्पेशल। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वरदान में। बल्लभगढ़ में पीपीपी के तहत मॉडल बस स्टैंड का जो काम है वह जल्दी शुरुआत होने वाला है, और जो एलिवेटेड पुल है जो कि मोहना रोड पे बनाया जाने वाला है उसके लिए भी 210 करोड़ रुपए के लगभग निश्चित राशि तय कर दी गई है। तो इसी को लेके आज हम जुड़ चुके हैं बल्लभगढ़ के पूर्व विधायक शारदा राठौर जी के साथ। शारदा जी, कितना कुछ फ़ायदा पहुंच पाएगा लोगों को इस बस स्टैंड का? देखिए, पहले तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि पीपीपी मोड पर क्यों, क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि सरकार हम पे पैसा खर्च करे? जो सरकार के खजाने में पैसा होता है वो जनता की जेब का पैसा तो होता है, और पीपीपी मोड पर हमें बस स्टैंड देकर ये क्या एहसान हम पर कर रहे हैं, क्या इन्होंने हम पर उपकार कर दिया? तो मैं तो कहूँगी कि इसको पीपीपी मोड पर ना बनाया जाए, बल्कि सरकार अपने खजाने से पैसा देकर इसको बनाए। और अब तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ के हैं, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक बढ़िया बस स्टैंड नहीं बनवा सकते सरकार के पैसे से, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का क्या फ़ायदा है? पीपीपी मोड पर तो कोई भी बनवाएगा, तो ये कोई मैं सरकार की इसको उपलब्धि नहीं मानूंगी, बल्कि मानूंगी लोगों की जेब से पैसा जब जा रहा है ऑलरेडी खजाने में, तो तुम जो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों के लिए अलग से पैसा जनता से लोगे, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्यायोचित बात नहीं है, तो मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। बस अड्डा बनना चाहिए, इसका मैं समर्थन करती हूँ, लेकिन पीपीपी मोड पर जो बनना चाहिए उसका मैं विरोध करती हूँ। सरकार अपने पैसे से इसको बनवाए, तभी हम इसका धन्यवाद कर पाएंगे सरकार का। अगर मैं बात करी जाए एलिवेटेड पुल की, जो कि मोहना रोड पे बनाया जाने वाला है, 210 करोड़ की जो राशि है वह सरकार की तरफ से निश्चित कर दी गई है कि 210 करोड़ की लागत में वो एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, विकास के काम होने चाहिए, हम विकास के कामों का कोई विरोध नहीं करते,
हम हमेशा विकास के कामों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को क्या फ़ायदा होगा, बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता कहाँ से चढ़ेगी और कहाँ से उतरेगी, इसका पूरा पूरा फ़ायदा जो होगा पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगा, वो भी हमारे अपने ही लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर बिना पुल के भी यहाँ जाम से निजात मिल सकती थी तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं। जो जिन लोगों ने थोड़ी दुकान आगे बढ़ाई हुई है उनको हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस के यहाँ 4 जवान खड़े कर सकते हैं, और जो लोग अपने व्हीकल सड़कों पर खड़े करके चले जाते हैं उन व्हीकल्स को हम खड़ा होना बंद करवा सकते हैं। तो ये तो अपने हाथ की बात थी, लेकिन मूलचंद शर्मा जी ने यहाँ एलिवेटेड वे बनवाना उचित समझा तो ये उनकी सोच है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आने वाले टाइम में बल्लभगढ़ के लोग उस पर कहाँ से चढ़ेंगे, कहाँ से उतरेंगे, और बल्लभगढ़ विधानसभा को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इतनी संकीर्ण रोड है कई जगह से कि वहाँ जब पुल भी बन जाएगा तो पुल के नीचे से ट्रैफिक कैसे निकलेगा, क्योंकि जो पुल के पिलर्स होते हैं वो भी 8-10 फुट के होते हैं, और दोनों साइड फिर कितनी जगह रह जाएगी पुल के, जो पिलर्स की हमें फेंसिंग भी करनी पड़ती है, तो दोनों साइड कैसे बसेस निकलेंगी, कैसे हैवी व्हीकल निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के पुल बने हैं, चाहे वो पानीपत में बना है, चाहे अपने हाईवे पर ही ले लीजिए, तो पुल के नीचे जाम बढ़ा है पहले से ज़्यादा, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं ना कि कम हुई हैं। तो मैंने तो पहले भी इस विषय में अपने विचार बड़े खुलकर रखे थे कि एक तो पुल के नीचे की प्रॉपर्टी के रेट आधे हो जाएंगे, फिर आप पुल बनवा रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत प्रदूषित शहर है, यहाँ पुल के नीचे जो दुकानें हैं, जो पुल के नीचे की जगह है, वहाँ तो ऑक्सीजन की और कमी हो जाएगी और ज़्यादा प्रदूषण लेवल वहाँ पर बढ़ेगा। तो जो हमारे ज़्यादातर लोग गांव के बल्लभगढ़ से अपना सामान खरीदने आते हैं, बल्लभगढ़ की मार्केट ही उन्हें नज़दीक पड़ती है, तो पुल बनने से एक रास्ता उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो फरीदाबाद और दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। तो इससे हमारे यहाँ के दुकानदारों को भी इनडायरेक्ट रूप में नुकसान होगा, जिसका अंदाज़ा अभी मूलचंद शर्मा जी को नहीं है, लेकिन यहाँ के दुकानदार इसके पक्ष में नहीं हैं। और मैं तो यही चाहती थी कि सबकी राय लेकर बनवाया जाए, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मूलचंद शर्मा जी ये पुल बना के जाम से निजात दिलवा सकते हैं तो दिलवाएं, स्वागत है। आपको क्या लगता है मैम, जाम से निजात नहीं मिल पाएगा इसको बनने के बाद? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि एलिवेटेड वे बन, इतनी संकीर्ण सड़क पे एलिवेटेड वे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कई जगहों पर देख चुके हैं कि ऐसी संकीर्ण सड़कों पे ज़्यादा जाम लगता है जब पुल बन जाते हैं। तो जो रोड पे मैम व्यापारी हैं, जितने दुकानें हैं, उनको कितना नुकसान होगा मैम इसे बनने के बाद? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि कोई भी इस तरह का पुल बनता है वो 2-3 साल लग जाते हैं बनने में, कई बार तो 4-5 साल लग जाते हैं। हमारे मोहना रोड नाले को देख लीजिए, कई साल से बन रहा है, तो जब तक वो पुल बनेगा खुदाई चलती रहेगी रोड पे, आवागमन बंद हो जाएगा, जो वहाँ के व्यापारिक संस्थान हैं, जो दुकानें हैं, वो सब बंद करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि 2-3 साल तक, 4 साल तक वो दुकानदार क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, और पुल बनने के बाद भी उनकी जो दुकानदारी है वो आधे से कम रह जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो ये दुकानदारों को तो पूरी तरह नुकसान ही नुकसान है, कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पूर्व विधायक शारदा जी का कहना है कि जहाँ ये एलिवेटेड पुल बन जाएगा इसके नुकसान तो काफ़ी हैं, लेकिन फायदे एक भी नहीं। कैमरामैन हिमांशु के साथ रजत सिसोदिया, हरियाणा वरदान। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।